Hello everyone. In the previous video, we were having a discussion regarding the KVS PGT previous year question paper. अब तक हम question number 63 तक solve कर चुके हैं और इस video के अंदर हम question number 63 के आगे solve करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको इस video की PDF चाहिए, जो हमने इस video के अंदर presentation PDF use की है, अगर आप वो लेना चाहते हैं, तो हमारी website पर, which is www.digimentor.com, आप यहाँ पर जाकर download section से free में इस PDF को download कर सकते हैं. और अगर आपको हमारे जो कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जाकर हमारे कोर्सेज़ देख सकते हैं. सो वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर गेट, यूजीसी नेट एंड योर पीजीटी एग्जामिनेशन. सो ऑल दीज कोर्सेज आर मोस्टली फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 64 में इट्स फ्रॉम IEEE प्रिसीजन. तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट से हैं. डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट में आपने IEEE सिंगल प्रिसीजन डिजिट्स के बारे में पढ़ा था. हम ऑलरेडी इसको डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट में कवर भी कर चुके हैं. अगर आपको याद हो, आपने हमारे टॉपिक्स हमारे वीडियो से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि हम ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो इट इज सेइंग हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट पार्ट ऑफ IEEE सिंगल प्रिसीजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. अब देखिए, हमारे पास डबल प्रिसीजन नंबर्स हो सकते हैं और हमारे पास सिंगल प्रिसीजन नंबर हो सकते हैं. हमारे पास दोनों तरह के नंबर्स अवेलेबल हैं, सिंगल प्रिसीजन एज वेल एज डबल प्रिसीजन. सो सिंगल प्रिसीजन में जो हमारे पास टोटल 32 बिट की नंबर होती है, तो इस पूरे 32 बिट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बेसिकली अगर मैं कहूँगा कि दिस इज़ योर एंटायर 32 बिट, तो इस 32 बिट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहली आपके पास बिट होती है, विच इज़ बिट नंबर 0. इसको हम साइन बिट की तरह यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 8 बिट्स होंगी, उन नेक्स्ट 8 बिट्स को हम एज एन एक्सपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं. और उसके बाद जो हमारे पास बची हुई बिट्स हैं, विच आर बिट नंबर 9 to 31. ठीक है, तो जो जितनी भी ये बची हुई बिट्स हैं, टोटल कितनी बिट्स बची होंगी, आप देख सकते हैं. आपने एक बिट यहाँ पर यूज़ किया, 8 बिट्स यहाँ पर यूज़ किया, तो आपकी टोटल 9 बिट्स यूटिलाइज हो चुकी हैं आउट ऑफ 32. तो आप 32 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा समवेयर विच इज़ 23. तो ये जो बची हुई 23 बिट्स हैं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सभी 23 बिट्स से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 8 बिट्स हैं, विद दिस 8 बिट्स वी रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट. ओके, अब ये जो पूछ रहा है, दिस इज़ ओनली आस्किंग अबाउट द सिंगल प्रिसीजन नंबर. तो सिंगल प्रिसीजन नंबर में हम एक्सपोनेंट पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके डबल प्रिसीजन नंबर्स के बारे में पूछा जाए, तो डबल प्रिसीजन नंबर में हमारे पास टोटल 64 बिट्स होती हैं. इन सभी 64 बिट्स में से जो सबसे पहली बिट है, उसको हम एज अ साइन बिट की तरह यूज़ करते हैं. और फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट 11 बिट्स हैं, इन 11 बिट्स को हम एक्सपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं. और फिर जो आपकी बची हुई टोटल 52 बिट्स हैं, उसको हम फ्रैक्शन पार्ट के लिए यूज़ करते हैं. तो डबल प्रिसीजन के केस में हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड. इंटरनेट से गुड्स को बाय करना और सेल करना, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ यूरो कन्वर्जन. बेसिकली यूरो कन्वर्जन इज़ अबाउट द करेंसी कन्वर्जन, बिकॉज यूरो का मतलब है, यूरो इज़ ए करेंसी. तो आपने जब गूगल सर्च करेंगे यूरो कन्वर्जन में, तो आपको इस तरह से करेंसी कन्वर्जन आएगा, जैसे कि इंडियन रुपीज़ कितने यूरोज़ के इक्वल है. अब जैसे कि हम लोग चेक करते हैं कि जो 1 यूरो है, विच इज़ इक्वल टू 86.08 इंडियन रुपीज़, तो उसको बोलते हैं यूरो कन्वर्जन. अब हमारे पास हाइपर मार्केटिंग और साइबर सेलिंग कुछ नहीं होता है. सो ये ऐसे टर्म्स नहीं होते हैं हमारे पास. जो टर्म है, दैट इज़ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स, जैसे कि हमारे पास कुछ वेबसाइट भी है, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, हमारे पास अमेजोन एक वेबसाइट है. तो इन तरह की जो वेबसाइट है, ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट है. दे बाय एंड सेल, पीपल बाय एंड सेल गुड्स ऑन दिस वेबसाइट. देयरफॉर दिस तरह की वेबसाइट को हम बोलेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको अगर ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है टेक्निकल, तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, बिकॉज आजकल हर कोई ई कॉमर्स से इंट्रोड्यूस्ड है. सबको पता है कि ई कॉमर्स होता क्या है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है? देखो, पहले हर तरह के इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं. सबसे पहले आपके पास सिंपल इनहेरिटेंस. सिंपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस करती हैं, और उस चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर एक और चाइल्ड क्लास अगर इनहेरिट करती हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. बिकॉज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो आपके पास मल्टीपल लेवल्स हो गए
तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसी तरीके से वी हैव हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्लास से अब मल्टीपल क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। और जब मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, यानी कि एक जो चाइल्ड क्लास है वो एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि एक से ज़्यादा क्लासेस से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बेस क्लास है 1 और दूसरी आपके पास बेस क्लास है 2, और जो डराइव्ड क्लास है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ले रही है, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ऑप्शन नंबर 1, व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज़ बोथ इज ए एंड हैज़ ए रिलेशनशिप विद इट्स पेरेंट। ऑप्शन नंबर 2, व्हेन टू क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन नंबर 3, व्हेन अ बेस क्लास हैज़ टू और मोर ड्राइव क्लासेस। ऑप्शन नंबर 4, व्हेन चाइल्ड क्लास हैज़ टू और मोर पेरेंट क्लासेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज हैविंग टू और मोर पेरेंट क्लासेस, देन दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एएसपी से रिलेटेड। अब देखिए हमारे पास एएसपी है और एएसपी डॉट नेट, हमारे पास दो चीज़ें हैं। सो व्हेन एन एएसपी डॉट नेट फाइल इज प्लेस्ड इन एन आईएएस सर्वर एंड व्यूड थ्रू अ ब्राउजर, द रिजल्टिंग एचटीएमएल पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एएसपी डॉट नेट में होता यह है कि ये एक एज्यूम एक क्लाइंट है। अब वो क्लाइंट किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। सो ये जो सर्वर होगा, दिस इज आईएएस सर्वर। इस सर्वर के अंदर हमारे पास कुछ कोड्स रखा होगा, जो कोड होगा दैट इज ASP.NET का कोड है, दिस इज ASP.NET कोड। नाउ इट रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन और सम काइंड ऑफ फाइल। नाउ दिस IIS सर्वर इज गोइंग टू जनरेट अ वेब पेज डायनेमिकली, और ये जो वेब पेज रिटर्न करेगा वो एक तरीके से रिजल्टेड पेज होगा, रिजल्ट पेज होगा। जो भी यहाँ पर कोड लिखा हुआ है वो एक वेब पेज डायनेमिकली जनरेट करेगा, डायनेमिक वेब पेज एक डायनेमिकली जनरेट करेगा, और जो रिजल्ट में सेंड करेगा इट विल सेंड एन HTML कोड। ये एक ASP.NET का कोड नहीं सेंड करता है, बट रेदर इट विल सेंड एन HTML कोड। जो भी कोड एग्जीक्यूशन होता है वो सर्वर साइड पर ही एग्जीक्यूशन होता है। देखिए हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस है, जैसे कि हमारे पास क्लासिक ASP जो है, क्लासिक ASP वो एग्जीक्यूट करती है VB स्क्रिप्ट। ओके, अब जो यहाँ पर जो क्लासिक ASP है ये भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ASP। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ASP.NET। अब जो ASP.NET है वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता है C#। अब जो C# है, जहाँ पर जो ASP.NET है, इट इज़ ऑल्सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि जो भी कोड एग्जीक्यूशन होगा वो सर्वर पर होगा, और जो उसका रिजल्ट है वही हम क्लाइंट को रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर आपने चेक किया होगा हमारे पास JavaScript है, तो JavaScript का जो कोड है वो क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होता है, यानी कि क्लाइंट की मशीन पर वो कोड एग्जीक्यूट होगा, कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा और वो क्लाइंट साइड पर ही जनरेट होगा। लेकिन ASP जो है उसका जो कोड है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, और क्लाइंट को सिर्फ HTML पेज रिटर्न होता है। ठीक है, सो व्हेन एन ASP.NET फाइल इज प्लेस्ड ऑन एन IIS सर्वर एंड व्यूड थ्रू अ वेब ब्राउजर, द रिजल्टिंग पेज HTML पेज कंटेन्स ऑल द HTML कोड, इट डज नॉट कंटेन द ASP कोड, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो ASP कोड है उसका रिजल्ट हम क्लाइंट को रिटर्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिटर्न्स द मेमोरी फ्रॉम डायनेमिक अरे पॉइंटर PP टू द फ्री स्टोर। अब देखिए यहाँ पर जो फ्री स्टोर है इसका मतलब क्या है, फ्री स्टोर इज बेसिकली हीप के लिए ही यूज़ किया जाता है। फ्री स्टोर हीप के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये फ्री स्टोर जो टर्म है इज जस्ट अनदर नेम ऑफ द हीप। ठीक है, तो हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो हीप के अंदर की जाती है। अब यहाँ पर C++ के केस में अगर हमें किसी अरे को डीलोकेशन करना है मेमोरी का, तो हम लोग उसमें डिलीट को यूज़ करते हैं, सो वी विल यूज़ डिलीट PP। ओके, नेक्स्ट, द लॉजिक सर्किट बाइनरी एडर विच इज़ यूज टू ऐड 2-4 बिट्स बाइनरी नंबर्स रिक्वायर्स डैश हाफ एडर्स एंड डैश फुल एडर्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बाइनरी डिजिट्स को ऐड करने की कोशिश करें, जैसे कि हमारे पास डिजिट है 1101 एंड 1100। ठीक है, तो ये एक 4-bit नंबर है और ये एक 4-bit नंबर है। जब इन 4-bit नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट जनरेट होगा 0001 एंड हमारा जो कैरी होगा वो भी हमारे पास एक कैरी 1 होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास दो तरह के एडर्स यहाँ पर आ सकते हैं। पहला है हमारे पास रिपल कैरी एडर, जो कि हमारा बेसिकली एक पैरेलल एडर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक सीक्वेंशियल एडर, यानी कि इन नंबर्स को हम सीक्वेंशियली एक सर्किट के अंदर देंगे और सीक्वेंशियली वो सबको ऐड करके रिजल्ट जनरेट करेगा।
अब जहाँ पर जो पूछा गया है वो एक तरीके से रिपल कैरी एडर है। अब एक मैं रिपल कैरी एडर को रिप्रेजेंट करता हूँ इस डायग्राम की हेल्प से। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हमने ये जो रिपल कैरी एडर है उसको हमने फुल एडर की फॉर्म में बनाया है, यानी कि जो भी आपके डिजिट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी नंबर थी 1101, इसके अंदर आपने 1001 को आपने ऐड किया। अब यहाँ पर इस सभी डिजिट्स के अंदर जैसे कि ये हमारे पास पहली है, हम इसको एज्यूम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो जो फर्स्ट डिजिट है ये हो गया हमारे पास ए नॉट, तो हमारे पास हम करेंगे ए नॉट, ए वन, ए टू और ए थ्री। जब हम इनको ऐड करेंगे और ये वाला नंबर एज्यूम इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी नॉट, बी वन, बी टू और बी थ्री। और इसका जो सम जनरेट होगा एज्यूम वो एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इसका जो सम होगा दैट विल बी एस नॉट, इसका जो सम होगा दैट विल बी एस वन, इसका जो सम होगा दैट विल बी एस टू और इसका जो सम होगा दैट विल बी एस थ्री। लेकिन इस केस में हमारे पास कुछ कैरी भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो यहाँ से जो कैरी प्रोड्यूस होगा एज्यूम वो कैरी हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी योर कैरी, यहाँ पर जो कैरी होगा C1 होगा, फिर यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो आपके पास C2 होगा, यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो आपके पास C3 होगा और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा एज्यूम वो आपके पास C4 होगा, ठीक है। और हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल जो कैरी है C0 वो इनिशियली आपके पास 0 है। तो अगर आपको सिर्फ फुल एडर से रिप्रेजेंट करना है, इस पूरे सर्किट को सिर्फ फुल एडर से रिप्रेजेंट करना है, तो आप चार फुल एडर एज्यूम कर सकते हो और जो सबसे पहला कैरी C0 है उसको आप 0 एज्यूम करोगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमने सिर्फ चार फुल एडर्स का यूज़ किया है, हमने कोई भी हाफ एडर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन इस सर्किट में हम लोग हाफ एडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो पहला आपके पास है इसके पास कैरी नहीं आएगा, लेकिन बाकी जितने भी हैं आपके पास फुल एडर्स, तो फुल एडर्स बेसिकली करते हैं क्या, डिफरेंस क्या है हाफ एडर फुल एडर में, हाफ एडर का काम क्या है कि हाफ एडर टू बिट्स की इन्फॉर्मेशन लेगा जैसे कि एक्स और वाई, उसको ऐड करेगा तो उसका सम देगा और उसका कैरी देगा। उसी तरीके से जब मैं एक फुल एडर की बात करता हूँ तो फुल एडर का काम क्या है, फुल एडर जो है वो थ्री बिट्स की इन्फॉर्मेशन लेता है जैसे कि एक्स, वाई और जेड, तीन बिट की इन्फॉर्मेशन लेगा और ये उसका सम जनरेट करेगा और वहाँ पर उसका कैरी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हमें तीन बिट्स को ऐड करना है जो कि A1, B1 और C1, यानी कि तीन बिट्स, ये देखो यहाँ पर आप तीन बिट्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप तीन बिट्स को ऐड कर रहे हैं विच इज़ A2, B2 एंड C2। सो इस तरीके से इन सभी फुल एडर के अंदर हम तीन बिट्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं बिकॉज जो कैरी है वो इनिशियली हमें पता है दैट इज़ 0। तो इनिशियली जो हमारे पास फुल एडर है इसको हम एक हाफ एडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फुल एडर का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर कितने हाफ एडर की रिक्वायरमेंट है, हो सकती है हमारे पास एक हाफ एडर और तीन फुल एडर, तो ये तीन फुल एडर्स होंगे और एक हमारे पास हाफ एडर होगा, सो आंसर विल बी 1.3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 70 है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में से है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में इट इज सेइंग 10 base 5 केबलिंग इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए जो 10 base 5 केबलिंग है उसको हम थिक इथरनेट और थिक नेट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, थिक इथरनेट। अब जो ये आपके पास 10 base 5 केबलिंग थी वो बेसिकली काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी, इट इज़ काफ़ी ये काफ़ी थिक भी थी, इट वॉज वेरी थिक ऑल्सो, और जैसे कि आप लिख सकते हैं इट यूज़ थिक एंड स्टिफ कोएक्सियल केबल जो कि 500 मीटर्स की लेंथ तक होती है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव तो इस वजह से हमने बाद में इसका चीपर वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया था, तो जिसका जो चीपर वेरिएंट था हमने 10 base 2 केबल को इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम थिनर कोएक्सियल केबल बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास 10 base T एंड उसके पास 10 base TX एंड 10 base 1000 base T, तो ये हमारे पास जो है इसके सुपरसीडर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ थिक इथरनेट। तो आपको पता होना चाहिए कि इथरनेट की स्टैंडर्ड्स क्या है, सो 10 base 5 जो है वो एक तरह से इथरनेट का एक स्टैंडर्ड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप अ लो J एंड लो K प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि J और K की वैल्यू अगर लो हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको इजीली पता भी होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इसका जो JK फ्लिप फ्लॉप है उसका डायग्राम, जैसे कि आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं और साथ साथ में उसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको इंट्रोड्यूस किया है। जब उसने बोला है कि हमारे पास लो J एंड लो K, यानी कि J के अंदर भी आप 0 पास कर रहे हैं और K के अंदर भी आप 0 पास कर रहे हो, जब आप चेक कर रहे हो जब J और K दोनों 0 है तो जो भी हमारे पास प्रीवियस स्टेट होगी हम उसका टॉगल कर देंगे। उसी तरीके से अगर J और K दोनों 0 है, अगर प्रीवियस स्टेट हमारे पास 1 है, यहाँ पर दिस इज बेसिकली 1, सो अगर प्रीवियस स्टेट आपके पास 1 है तो उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
ओके लेकिन अगर हमारे पास जे और के दोनों की वैल्यू वन है तो उस केस में हम लोग टॉगल करते हैं। तो उसने बोला कि अगर जे की वैल्यू भी लो है और के की वैल्यू भी लो है तो आपके पास जो भी यहाँ पर आएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन विच इज़ नो चेंज। आई होप आपको सब पता होगा, मैंने अपने वीडियोस के अंदर भी सब कुछ कवर किया हुआ है। डिजिटल लॉजिक के अगर आप हमारे वीडियोस पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स को थॉरली कंप्लीट डिटेल में कवर किया हुआ है। ओके नेक्स्ट, जी ये जो सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये DBMS सब्जेक्ट में से है। An entity set that does not have sufficient attribute to form a key is known as which of the following? तो इसको हम बोलते हैं weak entity set. I think ये very straightforward one liner question है, आपको पता होगा। Next, आपके पास है, अब ये जो question है which of the following devices understand the format content of the data and translate the message from one format to another? अब हमारे पास चार options हैं, gateway, hub, switch and router. सभी के एक बार मैं options सब में बताता हूँ कि सब किस किस layer पर काम करते हैं। जो repeater है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, इस टेक्स्ट को आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो हमारे पास हब है, हब भी फिजिकल लेयर के अंदर काम करता है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्रिज। अब ये जो ब्रिज है, ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और ब्रिज के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्विच। अब ये जो स्विच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विच है वो भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और स्विच के बाद आता है हमारे पास राउटर्स, और जो राउटर्स हैं दे वर्क एट द नेटवर्क लेयर। ओके और राउटर्स के बाद आपके पास आता है गेटवेज, और जो गेटवेज है गेटवेज भी नेटवर्क लेयर पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं नेटवर्क की, जैसे कि हमारे पास है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके नाउ दीज थ्री लेयर्स आर बेसिकली कंसिडर्ड एज वन बिकॉज वो एक ही तरह से एक सिंगल यूनिट में काम करती हैं। अब ये जो तीन लेयर्स है दे क्रिएट सम मैसेज, इस मैसेज को हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे देते हैं। सो ट्रांसपोर्ट लेयर टेक दिस मैसेज एंड एड इट्स हेडर। उसके बाद हम इस मैसेज को देते हैं नेटवर्क लेयर के पास, तो नेटवर्क लेयर इस ट्रांसपोर्ट लेयर के मैसेज को लेंगे, उसको अपने पेलोड पर रखेंगे, और जो नेटवर्क लेयर है वो अपना हेडर ऐड करेगी। उसके बाद हम लोग डेटा लिंक लेयर पे देंगे। अब जो डेटा लिंक लेयर है वो इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है, दिस फ्रेम्स विल बी हैविंग देयर ओन हेडर, इस तरीके से एंड इस तरीके से काम करता है। अब जो भी डिवाइसेस जितनी ज़्यादा लेयर के अंदर काम करेगी बेसिकली वो डिवाइसेस उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाएगी। ठीक है, अगर कोई लेयर सिर्फ फिजिकल डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करती है, यानी कि वो सिर्फ फिजिकल लेयर की इन्फॉर्मेशन यानी फिजिकल लेयर को तक ही रीड कर पाएगी, यानी कि वो सिर्फ मतलब कुछ भी रीड नहीं करेगी, बेसिकली वो सिर्फ कंटेंट को डुप्लीकेट करके सेंड करेगी। उस तरीके से डेटा लिंक लेयर जो है वो बेसिकली मैक एड्रेस तक काम करती है, तो डेटा लिंक लेयर का यानी कि इतना सिर्फ हेडर ही वो रीड कर पाएगी, बाकी चीज़ रीड नहीं कर पाएगी। नेटवर्क लेयर पे जो डिवाइसेस काम करती है वो बेसिकली इस हेडर को निकालेंगी और ये जो पोर्शन है वो इसको रीड कर सकती हैं। अब उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द डेटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर दैट इज अ राउटर। जो राउटर है वो कंटेंट डेटा को रीड करता है और उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है। तो एक तरीके से जो हायरार्की है वो यहाँ पर इस फिगर के अंदर दिया गया है। तो जो राउटर है दैट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस एज कम्पेयर टू ऑल द अदर डिवाइसेस। राउटर के अंदर अपनी राउटिंग एल्गोरिथम्स भी होती है और वो इन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस भी कही जाती है। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर। इसमें से कौन सी स्टेट में प्रोसेस है जो प्रोसेसर के लिए वेट कर रही है। तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस स्टेट डायग्राम भी इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं कि जब एक प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो न्यू यानी क्रिएटेड स्टेट पर होती है, वहाँ से वो जाती है रेडी स्टेट पर। अब रेडी स्टेट पर हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो ये सभी जो प्रोसेस जो रेडी स्टेट पर हैं दे आर वेटिंग फॉर टू बी शेड्यूल्ड टू गेट इन टू द रनिंग स्टेट। ठीक है, अब अगर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है तो वो जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट पर चली जाएगी, और जैसे ही उसने इनपुट आउटपुट फिनिश किया तो फिर दोबारा से वो रेडी स्टेट पर आ जाएगी। अब उसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर। प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर के लिए कौन सी स्टेट पर वेट कर रही है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ द रेडी स्टेट। क्योंकि अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट पर होगी तो वहाँ से जो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो चूज़ करेगी कौन सी प्रोसेस को हमें रनिंग स्टेट पर लेके जाना है, यानी कि कौन सी प्रोसेस को हमें CPU के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
ओके. नेक्स्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज. अब देखो लीनियर सर्च जो है सबसे ईजी एल्गोरिथम है सर्चिंग के लिए, यानी कि आप पहली इंडेक्स लोकेशन पर जाएंगे, वहाँ से अपने डेटा को सर्च किया, अगर डेटा मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट इंडेक्स लोकेशन पर जाओ डेटा को सर्च करो, अगर यहाँ से डेटा मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट इंडेक्स लोकेशन पर जाओ डेटा को सर्च करो एंड सो ऑन. तो लीनियर सर्च इज वन द ईजिएस्ट एल्गोरिथम, सिंपल एक फॉर लूप यहाँ पर आप लगेगा. अगर आपके पास एन डेटा आइटम्स हैं तो जो फॉर लूप है वो एन टाइम्स रन होगा, देयरफॉर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ in. So correct answer is option number 2. One of the easiest algorithm that you can ever come across is the linear search. अब उसके बाद है हमारे पास natural join of two tables. Natural joins कैसे करते हैं? Assume हमारे पास एक employee है, एक हमारे पास department है. अगर हमें इन दोनों tables का natural join लेना है तो कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग employee और department का cross product लेंगे. Employee cross product with department. इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास हर एक जो यहाँ पर रो है वो यहाँ की हर एक रो से कंबाइन हो जाएगी. तो फर्स्ट रो विल बी कंबाइंड विद दिस मेनी कॉलम्स विद दिस मेनी रोज, द सेकंड रोज भी कंबाइन होगी, थर्ड भी कंबाइन होगी एंड सो ऑन. अब देखिए अगर यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 रोज हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल रिजल्ट 12 रोज. अब नेचुरल जॉइन के केस में हमें ये चेक करना है जहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है और जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट रहता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो जहाँ पर वो सेम है सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन किया जाए. तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट जहाँ पर डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम. तो जो रिजल्टेंट है वो हमें एक नेचुरल जॉइन देगा. सो दिस विल बी इक्वल टू योर नेचुरल जॉइन. लेकिन इसमें प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पर नेम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली हमें क्या है कि डिपार्टमेंट को दो बार प्रोजेक्ट नहीं करना, डिपार्टमेंट को सिर्फ हमें एक ही बार प्रोजेक्ट करना है. सो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर. तो इस तरह से हम नेचुरल जॉइन निकालते हैं. ठीक है, तो नेचुरल जॉइन की कंप्लीट हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, दैट इज प्रोजेक्ट नेम, नेम कहाँ से, एम्प्लॉय डॉट नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आई डी कॉमा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट सॉरी दिस इज डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम और उस केस में हम एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट इस तरीके से करेंगे. स्पेस ज़्यादा नहीं है तो शॉर्टकट में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से नेचुरल जॉइन अप करते हैं. तो नेचुरल जॉइन के केस में हम लोग बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो विल टेक कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम साथ हम सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. तो इट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन स्टेटमेंट. इसके बाद जो प्रोजेक्शन स्टेटमेंट है वो एक आपकी चॉइस है कि आप चाहो तो प्रोजेक्शन को ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते, एक ऑप्शनल फेज है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 here. Okay. Next, a Java is dash language. This means that you must be explicit about what type of data you are working with. So Java जो है उसको हम strongly typed language कहते हैं. It is not a weakly typed language. Okay. अब difference क्या है इन सब के बीच में? आप इस content को यहाँ से पढ़ सकते हैं कि strongly typed और weakly typed, dynamically typed, इन सब में difference क्या होता है. आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सभी differences clear हो जाएंगे. ठीक है. Next, which SQL हाउ कैन यू रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पर्सन. देखिए सभी रिकॉर्ड्स को रिटर्न करने के लिए आर गोइंग टू डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स. ओके, तो इससे सभी रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे. लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, उनके सिर्फ काउंट चाहिए, तो आप करेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पर्सन. तो एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर होगा दैट विल बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट एज्यूम एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड. अब ये देखिए जो सूडो कोड है ये एक तरीके से हमने इस सूडो कोड को ये क्वेश्चन जो है वो गेट में भी आ चुका है एक बार और यही सेम क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के अंदर भी पहले आ चुका है. तो क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए वी हैव अ मेन फंक्शन सी प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो गेट में आ चुका है. वी हैव इंटीजर एक्स वाई एम एंड एन स्कैन एफ So we have the main function. In this main function, I can do integer x comma y comma m comma n. उस केस में I can do scan f percentage d comma m percent x comma m percent y then m is equal to x comma n is equal to y
So while m is not equal to n, if m is greater than n, then do m is equal to m minus n, else do n is equal to n minus m, or in the last just printf the value of m. So percentage d comma m. अब ये जो प्रोग्राम है एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम हमारे पास गेट में भी आ चुका है और एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम जो है वो हमारे पास यूजीसी नेट में भी आ चुका है. और इसका जो आंसर है उस आंसर को कैसे निकालेंगे आप, टेक सम वैल्यूज़ एक्स और वाई, ऐसी कुछ वैल्यूज़ लीजिए जिन पे इन सब की जो इन सब में डिफरेंसेज हों, आई मीन जीसीडी अलग हो, एलसीएम अलग हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट अलग हो, लार्जेस्ट अलग हो, इस तरीके से. लेट अस से इफ़ आई टेक एक्स इज इक्वल टू 32 एंड वाई इज इक्वल टू 40, उस केस में व्हाट इज़ द जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई. इस केस में जीसीडी क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विल बी 8, ये होगा आपके पास जीसीडी. अगर इस केस में बोलता हूँ यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, सो दैट विल बी 160. सो 32 इंटू 5 इज 160 एंड 40 इंटू 4 इज 160. उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस निकालेंगे तो एक्स मॉड वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 32, ठीक है. और उसी तरीके से आप चेक कर सकते हो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है इसमें, 32 विच इज़ एक्स, और लार्जेस्ट कौन सी है इसमें, विच इज़ 40. तो आप बस सिंपल इस डेटा को यहाँ पर इनपुट दीजिए और चेक कीजिए प्रोग्राम क्या आउटपुट निकालता है. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. मैं काफ़ी बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, एटलीस्ट 10 बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया होगा. तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ जी सी डी, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. मैं इसको नहीं करा रहा हूँ बिकॉज आई फील कि आप इसको ईजिली कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज. इस बुलियन एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बुलियन एक्सप्रेशन इज ए प्लस सी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ इन दिस बुलियन एक्सप्रेशन हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लेट अस ट्राई टू सी हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आप चाहें तो ब्रैकेट्स को ओपन भी कर सकते हैं, तो मैं पहले ब्रैकेट्स को ओपन करने की कोशिश करता हूँ इन दोनों के साथ. तो यहाँ से आएगा आपके पास ए डॉट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए डॉट सी डॉट सी डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सो विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी. ओके, डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब यहाँ पर ये जो ए सी कॉम्प्लीमेंट और ए सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, और इन दोनों टर्म्स में से हम ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले सकते हैं. सो इट विल बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आप कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस सी प्लस ए सी. ओके, और यहाँ से इट इज़ ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. सो इस टर्म को अगर आप फर्दर लेके जाएंगे तो यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, तो हमारे पास आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी बी कॉम्प्लीमेंट. फर्दर आप इसको लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, आप इसको लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सी और सी कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ रहा है, सो दिस विल बी जीरो प्लस, इसको लिख सकते हैं आप ए सी बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब इस पूरे केस में यहाँ से अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे, तो अंदर आएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 प्लस हमारे पास है ए सी बी कॉम्प्लीमेंट, तो टर्म बनी हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में आप ए बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस सी, तो आपके पास टर्म बनेगी यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो पूरी एक्सप्रेशन है दिस कैन बी मिनिमाइज टू ए बी कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ ए बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं, अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 81 से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं. इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 80 तक डिस्कस किया था. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू 100. ओके,